हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आंचल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप घर पे किस तरह से क्लीन अप कर सकते हो बहुत ही इजी इजी स्टेप के साथ मैंने ये क्लीन अप आपके साथ शेयर किया है तो फ्रेंड्स चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो क्लीन अप में सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर वन है वो जो है कि क्लिनसिंग क्लीनसिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है इस दूध को मैंने अपने पूरे फेस पे इस तरह के से अप्लाई किया है और अपने हल्के हल्के हाथों से मैं अपने पूरे फेस पे इस तरह के से मसाज करूँगी कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन होता है ये एक एक्सपलेटिंग एक और हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है कच्चा दूध ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है कच्चे दूध ड्राइनेस को दूर करता है और इसलिए कच्चा दूध क्लिनजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है आप दूध की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिनकी भी ड्राई स्किन नहीं है वो दही से भी अपने पूरे फेस को क्लिनजिंग कर सकता है तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस को और पे भी मैंने क्लिनिंग किया है इस प्रोसेस को आपको लगातार 10 मिनट के लिए करना है क्लिनिंग के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है या फिर आप स्पॉन्ज की हेल्प से आप अपने फेस को साफ़ भी कर सकते हो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का इसके लिए मैंने एक डी आपके साथ शेयर किया है इसके लिए मैंने लिया है टू टेबल स्पून राइस फ्लावर यानी चावल का आटा और दो चम्मच हनी मैंने उसमें ऐड की है इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है और इससे मैं अपने फेस पे स्क्रब करूँगी स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे का यूज़ किया है जिसमें एसिड होता है और एलेंटाइन भी होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें एंटी इन्फ्लमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि हमारे स्किन को सनबर्न से भी बचाती है और हमारी टैनिंग को भी दूर करती है और स्किन को भी ग्लोइंग करने में हेल्प करता है स्क्रब से हमारी स्किन हेल्दी और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है इस स्टेप को हमें लगातार दस मिनट के लिए करना है कंटिन्यू उसके बाद हमें नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है अच्छे से या फिर आप स्पॉन्ज की हेल्प से भी अपने फ़ेस को साफ़ कर सकते हो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो है स्टीमिंग जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टीमर की हेल्प से आपको इस तरीके से अपने फेस पे स्टीम लेना है चेहरे पे हमारे चेहरे पे जो भी धूल जमी होती है जो भी गंदगी जमा होती है उसके लिए स्टीमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टीम से आपके स्किन पर जो भी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और जो भी पोर्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपकी स्किन को सांस लेने में मदद मिलती है तो इस तरीके कैसे आपको 10 मिनट के लिए अपने फेस पे स्टीम लेना है स्टीम से और एक बेनिफिट होता है जो भी जिनकी भी फेस की स्किन लूज़ होती है वो टाइट होने में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है तो आपको दस इस स्टीम को आपको 10 मिनट के लिए लेना है अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में गर्म पानी कीजिए और टॉवल के अंदर अपने फेस को ढक के उस तरीके से आप भाप ले सकते हो स्टीमिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि है रिमूव ब्लैकेट्स और वाइट एड्स ये मेरा टूल किट है जिसमें ब्लैकेट्स और वाइट को रिमूव करने के लिए एक टूल दिया गया है इससे मैं अपने आ, जो भी वाइट है मुझे ब्लैकेट्स नहीं है तो मैं अपने वाइट को धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ ब्लैकेट्स और वाइट निकालते टाइम पर आपको ध्यान देना है कि बहुत ही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपको वाइट ट्स और ब्लैकेट्स को नहीं हटाना है क्योंकि आपकी स्किन उससे डैमेज भी हो सकती है तो बहुत आराम आराम से अपने ब्लैकेट्स और वाइटेड्स को रिमूव कीजिए यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है तो आप ए, इस तरीके से हेयर पिन आती है इससे इस, इस साइड से आप अपने ब्लैकेट्स और वाइट्स को रिमूव कर सकते हो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए यहाँ पे उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप है क्लीनअप का आखिरी स्टेप है हमारा फेस पैक जो कि उसके लिए मैंने फिर से आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर की है सबसे पहले हमें लेना है दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच टर्मरिक यानी हल्दी और दो चम्मच कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क इसको इन तीनों को हमें अच्छे से मिला देना है और ये हमारा फेस पैक जो कि रेडी है और इसको हम पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को एक्सप्लॉयट करती है हमारे स्किन को ग्लो भी करती है और आपकी स्किन को कोमल बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन टोन के लिए पिंपल्स के लिए और टैनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है मुल्तानी मिट्टी जो भी हमारे स्किन में ऑयल होता है उसको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इस फेस पैक को आपको अपने फेस पे पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है पंद्रह मिनट बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है तो आप फ्रेंड्स वीडियो में देख सकते हो कि मतलब पहले मेरा चेहरा कैसे डल डल सा लगता था और फ़ेस वॉश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा फ़ेस कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो अच्छी तो लाइक करें और शेयर करें थैंक यू